ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्ध्या संयोगं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं पूर्वस्मिन् देहे भवं पौर्वदैहिकं यतते च प्रयत्नं करोति ततः तस्मात् पूर्वकृता संस्कारात् भूयो बहुतरं संसिद्धौ संसिद्धनिमित्तं हे गुरुनन्दन कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोगम् इति उच्यते या पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स पूर्वाभ्यासः तेन एव बलवता ह्रियते हि यस्मात् अवशः अपि स योगभ्रष्टः न कृतं चेद् योगाभ्याससंस्कारात् बलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण ह्रियते अधर्मः चेद् बलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयते एव तच्छये तु योगजः संस्कारः स्वयम् एव कार्यम् आरभते न दीर्घकालस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति इत्यर्थः जिज्ञासु अपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन् योगमार्गी प्रवृत्तः सन्यासी योगभ्रष्टः सामर्थ्यात् सह विशब्द ब्रह्म वेद कर्मा अनुष्ठान फलम अतिवर्तते अपि करिष्यति किम उत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठा अभ्यासम कुर्यात् कुतः च योगिस्त्वं श्रेयः इति कहां तक हो गया था पिछली बार में सो जो साधक है उसके मन में गतियों के बारे में सदैव संदेह बना रहता है और साधक ऐसा है कि कोई बड़े उच्च स्तर का साधक नहीं है देखो बड़े मध्यम स्तर का साधक है और उसकी दो विशेषताएं हैं एक तो वो आयति है और दूसरा वह श्रद्धयाः उपेताः सो आपने इसके बाद देखा कि भगवान पहली चीज बोलते हैं उसकी उसका नाश नहीं होता अर्जुन जिसके भी मन में श्रद्धा है भले ही उसने प्रयास ना किया हो प्रयास शून्य हो असफल हुआ हो लेकिन उस साधक का नाश नहीं होता है नाश का अर्थ ये दिया गया कि जो जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार से अब उसके ऊपर की ही गति होती है अब प्रश्न है कहां जाता है किस परिवार में यह आपने देखा कि नाश नहीं होता तो सिर्फ दो ही चीजें हैं उसके पास जहां वो जा सकता है वो चीजें क्या थी एक तो ऐसे गृहस्थ के घर जन्म लेना जो शुचि नाम है और श्री मताम है इसको आपको विशेष मैंने समझाया शुचि नाम का अर्थ है पवित्र और पवित्र का अर्थ धार्मिक आचरण नहीं है जो उसके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करता है ऐश्वर्य से भरपूर है वो गृहस्थ देखो जी गरीबी में नहीं है इसीलिए उसके लिए शब्द लिखा गया शुचि नाम श्रीमताम गेहे ऐसे गृहस्थ के घर अभिजायते पैदा होता है कौन योगभ्रष्टा कौन अयति श्रद्धयाः उपेता तो ऐसे साधक का जन्म ऐसे गृहस्थ के घर होता है जो धर्म आदि संस्कारों से भरपूर है लेकिन वह गरीब नहीं है कैसा है ऐश्वर्य युक्त है बोले अगर वो साधक और भी अच्छा है तो उसका एक दूसरे परिवार में भी जन्म होता है ये भी आपने देखा वो परिवार कैसा था योगिनाम धीमताम अथवा भगवान बोलते हैं अथवा इसके अलावा एक और परिवार है कुले भवती
दूसरे अन्य कुल में भी इसका जन्म हो सकता है। कौन सा? धीमताम। कैसा है? बुद्धि प्रधान है, विचार प्रधान है, लेकिन वह धन प्रधान नहीं। देखो जी, योगिनाम एव, उसके घर में योगियों का कुल है। देखो जी, तो यहां आप देखना ऐश्वर्य की बात नहीं कही। और भाष्यकार कहते हैं एतद ही दुर्लभ तरम, दोनों ऑप्शंस में ये जो दूसरा जन्म है ये तो बहुत दुर्लभ है। कौन सा दुर्लभ है? यथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, यह दूसरे जन्म में, दूसरे गृहस्थ के घर जन्म होना, जो कि योगी है, जो कि धीमताम है। एतद ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यद ईदृशम, ईदृशम मतलब यदि किसी का जन्म ऐसे परिवार में होता है तो आप समझना कि वह जन्म तो कैसा है? दुर्लभ है। हो गया ना यहां तक? अब यहां से बात हुई थी तत्र, तत्र तत्र मतलब वहां, वहां मतलब कहां? हाँ, वहां मतलब जिस परिवार में उसका जन्म हो गया। तत्र मतलब वहां, वहां मतलब कहां? जन्म होएगा नहीं, जहां उस परिवार में उसका जन्म हो गया वहां एक घटना घटित होती है। लभते, लभते उसको मिल जाता है, ध्यान रखना, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। लभते शब्द से ये लेना, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, उसको लभते, उसको क्या हो गया? वह चीजें प्राप्त हो गई। ये कहां से प्राप्त हो गई? अभी तो इसने किया ही नहीं, मतलब करने से मिले तो ठीक है, न करने से कहां से मिला? बोलते हैं पूर्व दैहिकम, इस जन्म का नहीं है। कब का है? पिछले जन्म का। तो फिर से देखना, ऐसे परिवार में जन्म हुआ, जन्म लेने पर उसको वह चीज जो पहले की थी वह चीज उसको क्या हो गई? प्राप्त हो गई, उसके लिए उसको प्रयास करना नहीं पड़ा। सबसे बड़ा लक्षण है। आपको सबसे अच्छा दृष्टांत आता है रमण महर्षि का। रमण महर्षि को कोई आयास और प्रयास नहीं करना पड़ा। इसको आगे अभी समझाएंगे तो ये बात है, एक समय सीमा तक वह उस परिवार में रहता है, जब तक कि उसका थोड़ा बहुत प्रारब्ध है। और सकता है उसके बीच में भी, आपको दिखाएंगे बड़ी गतियां हैं। जब तक वो उस परिवार में रहता है हो सकता है महान भोगी दिखे, महान जड़वत दिखे, हो सकता है मौनी दिखे, हो सकता है कि बड़ी धार्मिक गतिविधियां करता दिखे। ये सब ऑप्शंस के आपके पास उदाहरण है, मैं एक एक देता हूं आपको, तो थोड़ा दिमाग में सब सजा सजा के रखना। आयति श्रद्धया योगा भ्रष्ट योगा चलित मानस, उसका जन्म हुआ योगिनामेव कुले भवति धीमताम, या तो उसका जन्म हुआ जहां शुचीनाम श्रीमताम, वहां जन्म होने पर उसको कुछ करना नहीं पड़ा, इसलिए शब्द नहीं आया प्राप्यते। शब्द प्राप्यते आ सकता था लेकिन प्राप्यते नहीं आया। क्या आया? लभते। लभते मतलब उसको मिल गया। यहां तो कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है जो ना की जाए और मिल जाए, ये कर्म का सिद्धांत है। बिना किए हुए तो सुख भी नहीं आता ना दुख आता है। मिल कहां से गया? बोले किया था, आज नहीं पहले, तो इसलिए शब्द क्या आ गया? पौर्व दैहिकम।
रमण महर्षि को सिर्फ एक रट रहती थी, वो शब्द था अरुणाचल 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 पर्वत। तो वो ऐसा करते करते जब अपनी युवा अवस्था में वो कहाँ चले गए, अरुणाचल पर्वत पे। और जब आप उनकी कथा को पढ़ेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि अरुणाचल जाने के लिए उनके घर से तिरुवन्नमलई से पैसा ही नहीं था, तो जाएं। और बड़े भाई ने बहुत सताया उनका, एक उनका तर्क अच्छा था कि यदि रहना है तो अपने रहने और खाने के लिए कमाना पड़ेगा। अब आप बड़े हो गए हो, आपके रहने खाने का पैसा ऐसे नहीं दिया जा सकता। अच्छा, नहीं कमा सकते तो कुछ घर का क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिना कुछ किए हुए नहीं मिलेगा। तो आप कथा बड़ी अच्छी अच्छी आती है कि उन्होंने एक बार किसी को अपने पड़ोस में मरते हुए देखा तो बोलते हैं ये व्यक्ति मर गया। अब प्रश्न आया कि ये मर गया मतलब क्या, कैसे मरा, बोले ऐसे ऐसे मरा। तो उन्होंने अपने को भी फांसी लगा ली, बोले मैं भी देखता हूं कि वो जो आत्मा है वो कैसे निकलती है। देखो तो बच गए। अंतोगत्वा जब डांट बहुत ज्यादा ऐसा ये सब कृत्य करने के बाद तो उनको भगा दिया। तो बोलते हैं जो कान की बालियां थीं उसको बेचा, और बेच के किसका टिकट लिया, अरुणाचल का। और वहां जब गए तो बोलते हैं वो जो कुछ पैसे बचे भी थे वो भी कुएं में फेंक दिए। का ये कहना था जो चाहिए था वो स्थल क्या हो गया, मिल गया। तो पूर्ण शरणागति, अब क्या रखने पैसा। और फिर वहीं पे उन्होंने, तो उनको वहाँ जाने के बाद न श्रवण करना पड़ा न मनन करना पड़ा, वो सब का सब जो ज्ञान था वो उनकी स्मृति में आ गया। तो ऐसे घर में जन्म होगा, जन्म होने के बाद उसको अपनी पुरानी जो स्मृति है वो क्या हो जाएगी, याद में आ जाएगी। इसलिए क्या बोला, लभते पौर्व दैहिकम। एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। अब उस प्रोसेस में अंतर ये है कि एक साधारण साधक करेगा तो उस प्रोसेस में उसको अचीवमेंट मिलेगा 10%, लेकिन जो पौर्वोदय ही कम है उसको वही चीज पढ़ाया जाता है तो अचीवमेंट मिलता है 80-90%। क्यों? क्योंकि पहले का वो सब चीजें क्या है, पढ़ा हुआ है। यतते च ततो भूयः, देखो जी, प्रयत्नम करोति अतः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात् भूयो बहुतरम। हे गुरुनंदना, वह उस पूर्वकृत संसार के पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखना सिद्ध नहीं हुआ है, सावधानी से समझना, योगा भ्रष्टा है, ये योगा चलित है, सिद्ध तो नहीं हुआ। तो परिस्थिति दे दी उसके पूर्व के किए हुए कर्मों के कारण। अब क्या करता है, संसिद्धौ, क्या करता है, यतते, ये साधना है। अब क्या करता है, प्रयास करता है। हे अर्जुन, तुमने पूछा था उसका क्या होगा, उसका दोनों गतियों में अच्छा ही होगा। अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद उसको वह चीजें अभ्यास से तुरंत ही क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, यही नहीं, पूर्वाभ्यासेन तेन एव, देखो जी, हिर्यते, मिला श्लोक हिंदी देखना, हिर्यते, हिर्यते मतलब है कि उस साधक का अपहरण कर लिया जाता है। देखो जी, यह जो साधक है अब उस परिवार में जन्मा, उसका क्या होगा, रियते अवशोपि सह, उसका कोई वश नहीं चलता है,
अवश्य है, क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। किसने किया, क्यों किया, तो बोलते हैं पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के किए गए अभ्यास ने उस साधक का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। लो जी, ले गया बना। गुरुदेव ने बहुत सारे और सभी संतों ने इसके बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। मान लें आप, वो बड़ा स्थूल उदाहरण, कि आप सब ने अपने बाल्यकाल में सभी ने क्या चलाई है, साइकिल सबने चलाई होगी ना लगभग, और आप अब हो गए 25 साल 30 साल साइकिल को छोड़े, और अचानक अभी कोई काम आ जाए तो व्यक्ति 1 2 3 प्रयास से वो साइकिल को क्या करता है, अपना बैलेंस कर लेता है। प्रश्न आया, ये कहां से आया बैलेंस? कहां से आया? बोले पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते, उसने आपसे ये काम क्या कर लिया। गुरुदेव ने इसका बहुत ड्रामेटिक उदाहरण दिया है कि कोई एक स्टेनोग्राफर था, वो टाइपिंग करता था किसी अधिकारी की, नेता की, तो उसने 5-10 साल किया और 15 साल करने के बाद वह खुद भी एक बहुत बड़ा नेता बन गया। करते 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 देखते देखते वो भी उन्हीं की तरीके से क्या बन गया, एक बहुत बड़ा नेता। नेता के उसके 25 साल गुजर गए नेता बनने के बाद में भी। अब उसको अचानक रात में एक पत्र को टाइप करना है, अब वह पत्र किसी से वो टाइप भी नहीं करवा सकता क्योंकि गोपनीय है, तो वो क्या करेगा, तो अपना चल। अब जब करता है तो 2-4 बार उसे गलत होता है क्योंकि अभ्यास क्या हो गया है, छूट गया। लेकिन आपको पता है 2-4 बार गिरने के बाद, 2-4 बार गलत टाइप करने के बाद वह व्यक्ति उस चीज को पुनः क्या करता है, फटाफट टाइप कर लेता है। वहां पे गुरुदेव ने प्रश्न उठाया, वो जो टाइपिंग थी वो उसको कहां से याद आई, है ना? तो उसमें बहुत अच्छा संदेश दिया कि आपका किया गया कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसका कभी न कभी आपको क्या मिलता है, फल जरूर। हो सकता है हम और आप आज गीता पढ़ें और तत्काल उसका फल हमको न मिले, संभव है, लेकिन आने वाले जन्म आने वाले समय में इसका फल क्या हो जाता है, तुरंत व्यक्ति को प्राप्त हो गया। कहां से प्राप्त हुआ, आदमी कहता है कि इनका भाग्य बड़ा अच्छा है, नबी शब्द आदमी कहते हैं ना कि इनका भाग्य बड़ा अच्छा है। भाग्य बड़ा अच्छा मतलब क्या, अभी सोचना, ये व्यक्ति लकी है, लकी मतलब क्या, तो एक बात समझ में आया कि बिना आयास के विपरीत परिस्थितियों में इसको सब कुछ मिल गया। कहां से मिला, दिखाई देता नहीं जीवन में कुछ किया हुआ, तो आपको समझना चाहिए ये बिना किए हुए तो यहां कुछ भी नहीं मिलता, ये इसने पहले क्या किया है, अभ्यास किया था कभी और आज उसका फल क्या हो गया, मिल गया। पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के किए गए अभ्यास के कारण, तेन एव, उसका ही अभ्यास करने के कारण, अवशोपि सह, उस साधक का क्या हो गया, अपहरण हो गया। जिज्ञासुरपि योगस्य, बहुत सुंदर लाइन है, ये समाज के लिए बड़ा अच्छा चिंतन है, जिज्ञासु अपि योगस्य,
शब्द ब्रह्मादि वर्तते। देखो जी, वह जो जिज्ञासु है, अब आप देखना समाज में, मैं तो झेलता ही रहता हूं, जैसे ही ये व्यक्ति सन्यास को ग्रहण करता है, अगर छोड़कर चला जाता है, तो प्रबुद्ध वर्ग तीन बातें कहता है, और वो बात सही है। और ऐसा मनुस्मृति में आया कि हर साधक के, हर जीव के ऊपर, ध्यान रखना, जिसने भी जन्म लिया उसके पास तीन ऋण हैं, और तीनों ऋणों को क्या करना चाहिए, चुकाना चाहिए। पहला ऋण, हाँ, इसको बोलते हैं देव ऋण। देव ऋण, देव ऋण का अर्थ है यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, इसके करने से जो देवता है ना, इनका ऋण क्या होता है, चुकता होता है। तो एक हो गया देव ऋण, तीन ऋणों में ही सब बात कर रहा हूं मैं। दूसरा एक ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, जो हमको ऋषियों मुनियों ने सब इतना दिया, तो हमारे जीवन में कुछ स्वाध्याय, मनन, ऐसा कुछ होना चाहिए। वो पाठ करने से, वो करने से कौन से ऋण से मुक्त हुए हम, ऋषि ऋण। और एक ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे पूरा होएगा, हाँ, यस, संतानोत्पत्ति, तब जाके पितृ ऋण पूरा होगा। संतान की उत्पत्ति से पितृ ऋण पूरा हो गया, जो यज्ञ या जा हवन आदि करने से उसका देव ऋण पूरा हो गया, कुछ पाठ पढ़ने से, कुछ चिंतन करने से कौन सा ऋण पूरा हो गया, ऋषि ऋण। और ये व्यक्ति नहीं करता तो उसके जीवन में पाप घटित होता है, उस व्यक्ति को माना जाता है कि इसके जीवन में उऋण नहीं हो पाया है। ये तो ऋणों के तले क्या है, दबा है। और कहा गया हर जीव को इन तीनों ऋणों से क्या होना चाहिए, पार। तो जो वो वहां चला गया, तो वो पितृ ऋण तो कभी उतारेगा ही नहीं, संतानोत्पत्ति तो करेगा ही नहीं। अच्छा, यदि वो संन्यास में चला गया, कुछ विचार परंपरा में चला गया, तो वो याज, हवन आदि तो उसमें वो सम्मिलित ही नहीं होता है, तो वो भी ऋण रह गया। और जो एक साधारण गृहस्थ पाठ पूजा करता है, वो पाठ पूजा से भी क्या हो गया, अलग हो गया। हो सकता करे, हो सकता है ना करे, अवधूत है। तो बोलते हैं समाज के लोग कि ये तो गलत बात है, इसको पहले क्या करना चाहिए, पहले घर में जाके क्या करना चाहिए। अब ये समाज में कल्पना आती कि नहीं आती, कि पहले तो आपको अपनी जिम्मेदारी क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए। लेकिन देखो, उपनिषद कहता है जिज्ञासुरपि योगस्य, तो शब्द ध्यान से देखना, शब्द ब्रह्मादि वर्तते। उस साधक को शब्द ब्रह्म से वो क्या हो गया, पार हो गया। देखो शब्द ब्रह्म का क्या अर्थ है, शब्द ब्रह्म भाष्यकार में, भाष्य में मिला आपको, अंडरलाइन कीजिए, पेज नंबर 194, तीन चार छठी पंक्तियां हैं, छठी पंक्ति क्या है, छठी पंक्ति, वेद वेदा वेदा वेदोक्त कर्म अनुष्ठान फलम, मिल गया, वेद जो वेद ने कर्म कहे हैं उसके अनुष्ठान का फल, इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। ध्यान से पकड़ना, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का अर्थ है कर्म आदि जब जीवन में होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। ऐसे योग जिज्ञासु व्यक्ति को इस वेदोक्त जीवन से क्या हो गया, वो पार हो गया।
मतलब उसको यह छूट है कि वो संतानोत्पत्ति ना करे तो भी इसको कोई पाप लगने वाला नहीं है, वो उसने देव ऋण नहीं उतारा तो भी उसको पाप लगने वाला नहीं है, और ऋषि ऋण नहीं उतारा तो भी उसको पाप लगने वाला नहीं है। और लगता होता तो हो स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, इतने सारे जो महापुरुष हुए ये तो अपने क्या कहेंगे युवावस्था के दरमियान ही आकर क्या हो गया, चले भी गए। देखो जी, ज़्यादातर जो लोग आपको दिखेंगे वो इसी फेस के देखेंगे, आकर कार्य करके क्या हो गया, चले भी गए। इसका मतलब ये हुआ उनके लिए कर्म की परंपरा नहीं रह जाती, दूसरी कर्म के कोई नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, ना तो पुण्य ना तो पाप, वो चाहे तो करे और वो चाहे तो ना करे। ध्यान रखना वो साधक में इतना दमखम होना चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो उसको पाप लगना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्व के किए गए तपरूपी ज्ञान के कारण उसका जीवन क्या हो गया, आम गृहस्थ जन्म से क्या हो गया, अलग हो गया। हो सकता है वो उस भीड़ में रहे, हाँ से समझना, भीड़ में रहे, लेकिन कभी आप किसी पर टीका टिप्पणी मत कर देना भूल से कि आपने तो ये नहीं किया तो आपको तो पाप लगेगा। तो वो व्यक्ति अगर सही व्यक्ति होगा तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मुस्कुरा के क्या हो जाएगा, वो पता है, चुप हो जाएगा, और आपके अज्ञान पे क्या करेगा, वो सिर्फ हंसेगा, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता। आपको क्या समझाएगा वो कि मेरा पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा हो चुका, ये पार हो गया मैं, वो चुप। कई बार हम उसके चुप को और उसकी हंसी को क्या समझ लेते हैं, अज्ञान, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। तो वह ध्यान रखना वेदोक्त अनुष्ठान कर्म से क्या हो गया, आजाद हो गया, को कोई जरूरत नहीं करने की, पकड़ में। इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब भी समझ लेना आप, जो वेद है, वेद को ही बोलते हैं शब्द ब्रह्म। वेद का ही दूसरा नाम क्या है, शब्द ब्रह्म। वेद क्या है, जो कर्मों के बारे में ऋचाएं बताती हैं, उन सब ऋचाओं से वो क्या हो गया, आजाद। इसका मतलब उसके लिए कोई कर्म करणीय नहीं है, वह करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप देखो सभी जिम्मेदारियों से वो क्या हो गया, आजाद हो गया, और उसको पाप लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जो आपको दृष्टांत देते हैं बड़ा सुंदर, ये दृष्टांत से अच्छे से समझ में आया कि रास के समय भगवान कृष्ण के, जब रास का समय आया और अर्धरात्रि, रात के एकदम बीच का समय है, और जब वो चंद्रमा निकला है और सभी गोपियां कृष्ण के आसपास आ गईं, तो कृष्ण ने उन्हें जो पहला उपदेश दिया वो क्या दिया पता है, कर्म मीमांसा का। और उन्होंने क्या बोला है कि ये जो तुम आई हो, तुमको पता है कि ये न्यायोचित नहीं है, धर्मोचित नहीं है जो तुम कर रही हो, तुम्हारा समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा। एक स्त्री जिसका विवाह हो गया वो यहां पर कैसे इतनी देर रह सकती है, वो रास के लिए कैसे आ सकती है, ये तुम लोग अधर्म कर रही हो, पाप कर रही हो। ये उपदेश किसने दिया, और उन्होंने भी जैसे मैंने आपसे कहा बड़ा मुस्कुरा के उनको क्या करती रही, सुनती रही पलट के। ये है ध्यान रखना, ये कथा है, आप पढ़ना उसमें, जनरली तो लोग इस सबको मिस कर देते हैं। उन्होंने पलट के कृष्ण से प्रश्न पूछा कि धर्म आदि
ये जो धर्म है, ये जो उपासना है, यह जो कर्म है, भगवान इसका फल क्या है, इसका फल क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। धर्म और कर्म आदि यह जो है, इसका फल क्या है? सोचो आप जरा। इसका, इस धर्म आदि जीवन, भाई धार्मिक व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, उसका फल क्या है? उसके जीवन में मुमुक्षा आ जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसको ईश्वर की क्या हो जाए, प्राप्ति। इसी के लिए बताया गया ये सब कब। वो ये कहती है, क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो गई? तो मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद भी जो धर्म और कर्म करे, जो आपकी बात माने, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, सोचना जरा। जिस चीज के लिए व्यक्ति जीवन जी रहा था, वो चीज उसको प्राप्त हो गई। प्राप्त होने के बाद फिर से वही वो करे तो आप क्या कहोगे? पागल आदमी है। वो कृष्ण से कहती है, धार्मिक जीवन जीने का फल ही तो ये मिला कि तुम्हारी प्राप्ति हुई, और तुम मुझको फिर कहां भेज रहे हो? देखो, इसका मतलब कृष्ण ने ये चेक कर लिया कि इनको पूर्व मीमांसा धर्म उपासना का ज्ञान क्या हो गया, पूर्ण। ये इससे क्या हो गई, पार हो गई। और अब पता, उसके बाद रास आया है। अभी कभी मौका मिले तो आप सुनिएगा, रास मतलब ही है हर वृत्ति में ब्रह्म का आगमन, हर गोपी के साथ कृष्ण ही ना, हर गोपी के साथ कृष्ण, हर वृत्ति के साथ ब्रह्म। और ऐसा यदि जीवन चले तो उसको आप क्या कहोगे? ये जीवन कैसा है? रासपूर्ण। रासपूर्ण मतलब आनंदी है इसके जीवन में, क्योंकि इसकी हर आने वाली वृत्ति में क्या है? ब्रह्म है। देखो, और कहीं वृत्ति में ब्रह्म आने से ब्रह्माभिमान हो गया तो आने वाली वृत्ति से ब्रह्म लुप्त हो जाता है। एक गोपी को हो गया, भगवान छोड़कर क्या हो गए? भाग गए। क्यों? ब्रह्म का अभिमान आ गया तो रास रुक गया। और जैसे ही उस अभिमान की निवृत्ति हुई, वैसे ही वृत्ति में फिर कौन आ गया? ब्रह्म। इसको बोलते हैं रास। बना ना, ये तो ब्रह्म ज्ञानी ही रास कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और आप सोचो, उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? 8 से 11 साल। जो लोग आरोप लगाते हैं वो कभी देखे तो जरा, 8 से 11 साल की उम्र है भगवान की। इसको बोलते हैं रास। तो आप देखो, ये जो गोपियां हैं, ये इसकी साक्षात आपको उदाहरण दिखेंगी। शब्द ब्रह्मादि वर्तते, उनके लिए पति सास ससुर भी मायने नहीं रखती। वो बोलती हैं, इनकी सेवा करने से ही जो मिला है वो आप हो। अब फल को छोड़कर कर्म करना, ये कहाँ का न्याय? और ये बात किसने कही है? कृष्ण को कही है। किसने? और जो कृष्ण ने बात अपनी कही, कृष्ण ने वो अपनी बात क्या कर ले ली? वापस ले ली। ठीक है बोले। और तब उनको क्या कर ली, उनके साथ क्या किया? रास किया। देखो ये है, ये इसीलिए इससे जोड़ के चलना। जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा, जो जिज्ञासु व्यक्ति है वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म मतलब, शब्द ब्रह्म मतलब वेद। वेद में जो कर्म कहे गए उन सब का क्या हो गया? वो अतिक्रमण। भाष्य देखिएगा, जिज्ञासु अपि योगस्य, कौन है जिज्ञासु?
तो बोले हमको धन प्राप्त करने की इच्छा है, तो हम भी क्या हो गए, जिज्ञासु। लेकिन भगवान बोलते हैं इसीलिए स्वरूपम ज्ञातुम, कैसे कवर किया, कौन है जिज्ञासु, स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन्न, मिल गया भाष्य कि नहीं मिल गया, 194 की चौथी पंक्ति है पांचवी, जिज्ञासु अपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन्न, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा से योग मार्गे प्रवत्तः, जो किस मार्ग में आया, योग मार्ग में आया, सन्यासी योग भ्रष्टः, देखो जी वो क्या हो गया, योग से भ्रष्ट, मतलब उसकी क्या हो गई, देह शांत हो गई, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट, सामर्थ्यात सह अपि, वही साधक, ध्यान रखना ये उसी के लिए जो साधना करते करते क्या हो गया, देहांत हो गया, वो साधक को शब्द ब्रह्म, शब्द वेद, वेदोक्त कर्म अनुष्ठान फलम अतिवर्तते, अतिवर्तते नहीं समझ में आता, भाष्यकार लिखते हैं अपाकरिष्यति किम उद्बुद्वायो योगम तन्निष्ठम अभ्यास, अभ्यास करता हुआ उसका तो कहना है, यहां प्रसंग की शक्ति से जिज्ञासु का अर्थ सन्यासी किया गया है, जो मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से निकल गया। तो अब एक बात ध्यान रखना, सभी के लिए कर्म की गति नहीं है, कर्म की गति उसके लिए है जिसको संसार की चीज क्या है, चाहिए, जिसको संसार की चीज नहीं चाहिए उसके लिए संसार के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, चाहे तो वो करे और चाहे तो वो न करे। देखो जी हो गया, अच्छा कुतम कुता च योगिस्त्वं श्रेयमिति प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो, अब वो क्या करता है यहाँ पे आके प्रबल रूप से क्या करता है, प्रयास करता है इस जन्म, क्योंकि अब उसको सब चीज से क्या मिल गई है, छूट, तो उसका पूरा ध्यान किस में है, सिर्फ अपनी साधना में, और वो यहाँ पे आके परागति को क्या करता है, प्राप्त कर लेना। इस श्लोक कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाहात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गणपति थरशीष। एक साथ पाठ कीजिएगा। ॐ भद्रं कर्णे भिषुडयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलम्
आप लोग एक साथ क्यों नहीं पढ़ते सब? यहाँ से दोहराइए, गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम्। ए बाबा आपका अलग स्वर जाता है, स्वर एक साथ रखो ना। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम्। अनुस्वार परतरः अर्देन्दुलसितम् तारेण ऋद्वम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहितासन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् हृदं च वरदं हस्तरिविभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्भरक् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। कायदे से एक एक सांस में बोलना चाहिए, ये पूरा रुकना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं भी वो नहीं है। नमस्ते सुलंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम शांति 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 ही। मैं ये कह रहा था अभी ध्यान में ये आया आयति श्रद्धया उपेता। इसका एक जीता जागता और उदाहरण रामचरित मानस में आया, वो थे काक भुशुंडी जी। संभु उपासक, लेकिन और सबके तो महाराज वो हरि निंदक करते नहीं थे, बस उपासना इतनी जीवन में थी। खैर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद जब उनका जन्म हुआ बड़ा श्राप मिल गया
बहुत श्राप मिला उनको अपने गुरु से, शिव से। लेकिन उसके बाद उनके पिता, जब उनका जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ तो उनके पिता उनको सिखाते थे, तो पता है तो वहाँ पे आया मानस में उनका मन ही नहीं लगता था पढ़ने लिखने में, तो अपने पिता से यही प्रश्न करते थे कि इस सब पढ़ने से क्या मिलेगा। वहाँ पे भी उनको फिर से श्राप मिल गया देखो, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने अपने पिता से ये प्रारंभ कर दिया और अंत में पिता की भी क्या हो गई, देहांत हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा। यही घटना सेम रिपीट हुई हस्तामलकाचार्य के साथ में। हस्तामलकाचार्य जब से पैदा हुए उसके बाद से उन्होंने कुछ शब्द ही नहीं बोला। कई बार उनके माता पिता ने उनको झाड़ फूक करवाया, जादू टोना कराया, या ये बीमार है, कुछ बोलते ही नहीं थे, बस खाते थे, पड़े रहते थे। तो सब ने, उनके माता पिता ने यही सोच लिया था कि इनको अब क्या कर दिया जाए, निकाल के रखो, अब क्या करेंगे, बेकार का आदमी। एक बार ये शंकराचार्य जी की टोली जा रही थी वहां से, गांव से। तो जैसे गांव वालों का स्वभाव होता है, तो साधु के देखकर बोले कि महाराज ये लड़का जो है खा पी के ऐसा हो गया, कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता इसके, जो कहो सो उल्टा है सब, आप इसका कुछ करो। उनसे पूछा शंकराचार्य जी ने, तुम कौन हो? तो आपको पता है क्या उत्तर आया? हाँ, घनच्छिन्न दृष्टि घनच्छिन्न अर्कम यथाद निष्प्रभम चाति मन्नति, मैं वही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं जो तुम हो। पहला उत्तर आया गांव वालों का, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पागल है। तो शंकराचार्य जी ने उस समय यही उत्तर दिया कि ये पागल तो है, ये आपके काम का लड़का, मुझे इसकी तलाश है। और वो उसको उठाकर लेके गए। गांव वालों को होता है तो चले ही जाए तो ज्यादा ठीक है। तो जो चार शिष्य आप देखते हैं ना शंकराचार्य जी के आसपास में कहीं फोड़, उसमें एक आते हैं हस्तामलकाचार्य, वो वही है। क्यों? इतनी साधना करने के बाद उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया, कि उन्होंने कुछ भी, एक सही समय की तलाश होती है वहां से निकलने की, और वो वहां से क्या हो गए, निकल गए। और आगे तो बहुत सारा उन्होंने काम लिखा, पढ़ा, बोला ही आगे। तो ये आपके इसका उदाहरण है, किसका, जो आप पढ़ रहे थे। दूसरा उदाहरण है काकभूषुंडी जी का, कि उसके बाद के जीवन में तो आप पढ़ना चौपाई में ही ढूंढ रहा था, उनके पढ़ा कि उनके पिता हार गए, बट उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। एक सीधा सा गायत्री मंत्र था वो भी वो नहीं बोल पाते थे कुछ, तो उनके पिता ने भी बोला कि ये किसी काम का। तो वो तो कह रहे थे कि जब तक हम आप हैं तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपका कब देहांत हो जाए और मैं यहाँ से क्या हो जाऊँ, भाग जाऊँ। देखो जी, मैं तो इसलिए बोले टिका हूँ यहाँ पे। ये कौन है? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि। इससे मुझे जो समझ में आता है, आपको क्या आता नहीं, किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। जब आपको भिखारी भी मिल जाए ना तो भी नहीं करनी चाहिए। न जाने कब कौन कहाँ क्या बन के बैठा है, आपको कुछ पता नहीं है, और हमने आके उस पर क्या कर दी, टिप्पणी कर दी। ले टिप्पणी बचने से, कि बोलने ना बचने से प्रयास करना चाहिए। शायद जो हमें नहीं दिख रहा है वो उससे ज़्यादा बन के क्या हुआ हो, बैठा हो, तो ऐसा सामने ही आया बहुत बार। इसलिए उससे कर्म भक्ति ये सब क्या हो गई, बहुत आगे चला गया। बोला ना, धर्म का जो फल है अंतःकरण शुद्ध और जिज्ञासा, ये तो उसके जीवन में क्या हो गई, आई गई। ईश्वर की प्राप्ति वो उसको हो गई, तो फिर उसके जीवन में धर्म और कर्म और उपवास का कोई महत्व, जिसको नहीं है उसको ये सब क्या करना चाहिए। तो जो नहीं कर रहा है उसने भी पहले कभी किया था, तो आज क्या हो गया, वो पार हो गया। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कल या परसों में ये अध्याय समाप्त हो जाए।